अगर बात करिए सूरत नी, सूरत डाइंग मिल में आग लागी है। आग सचिन पारडी विस्तार में आवेली एक डाइंग मिल में लागी है। बापा सीताराम नामनी डाइंग मिल में आग लागी होवानी घटना सामे आवी। आगना बनावनी जाण थता फायर फाइटर घटना स्थले पहुंची अने आग पर काबू मेळवानो प्रयत्न करी रह्या छे। तो सूरत में एक डाइंग मिल में जे सचिन पारडी विस्तार में आवेली छे, आ डाइंग मिल में भीषण आग लागी छे। आ आग अति गंभीर न थाय तेना माटे फायर ब्रिगेड बोलावामां आव्या छे। फायर ब्रिगेड ना अधिकारीओ द्वारा आ आग ने कंट्रोल करवानो प्रयत्न थई रह्यो छे। नरेंद्र राठौर वीटीवी संवाददाता फोनलाइन पर छे। नरेंद्र, डाइंग मिल में आग की घटना अत्यारे प्रकाश में आई है, आग लागवा पाछळना कारणों सामे आव्या छे? जी, सूरत में जे सचिन पारडी विस्तार आवे रहे छे अने समग्र इंडस्ट्रियल एरिया छे, त्यां जे सवार में आग लागवानो मतलब थोड़ी वार पहला आग लागवानो बनाव सामे आव्यो छे के ज्यां जे इंडस्ट्रियल वेस्ट होय छे ते जे फेक्टरी छे बापा सीताराम डाइंग मिल एनी बाजुमां इंडस्ट्रियल वेस्ट पड़ेलो हतो अने एने सड़गावामां आव्यो हतो अने जे वेस्ट ज्यारे सड़गावामां आव्यो त्यारे तेनी जे ज्वाळाओ हती उडीने जे बाजुमां आवेली जे बापा सीताराम डाइंग मिल छे त्यां सुधी पहोंची हती अने त्यां बहार पड़ेला जे केमिकलना ने अथवा जे ज्वलनशील पदार्थो होय छे ते त्यां पड्या हता अने तेने आग लागी हती अने एना कारणे आगे खूब मोटू स्वरूप धारण कर्युं हतुं। फायर नी टीम तात्कालिक त्यां पहोंची चुकी हती, 7-8 विविध टीमों त्यां पहोंची हती अने आग पर काबू मेळवानो सतत प्रयास करवामां आव्यो हतो अने अत्यारे जे माहिती मळी रही छे ते मुजब अत्यारे हाल ज थोड़ी वार पहला ज जस्ट जे आग छे तेने पर काबू मेळवी शकायो छे। अत्यारे कूलिंगनुं कामकाज करवामां आवी रह्युं छे, जो के खूब मोटा प्रमाणमां नुकसान थयेलुं जोवा मळी रह्युं छे अने सौथी महत्वनी बाबत ए छे के कोई पण प्रकारनुं જે જાનહાનિ છે એ આ સમગ્ર ઘટનામાં બનવા પામી નથી। નરેન્દ્ર, આભાર માહિતી માટે।